आप सभी लोगों को मेरा आदाब। देखिए, जब हम सुबह सुबह अपने टेरेस पर आते हैं और इन खूबसूरत खिलते हुए फूलों को देखते हैं तो हमारी आँखों को तो ठंडक महसूस होती है, हमारे दिलों को भी कितना सुकून मिलता है। ये देखिए, मेरे डहेलिया के फ्लावर जो है वो खिलना शुरू हो गए हैं। ये कुछ तो ये खिल चुके हैं और कुछ खिल रहे हैं और कुछ में ये बड्स अभी है और कुछ प्लांट्स अभी छोटे हैं। डहेलिया एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये मेक्सिको का नेशनल फ्लावर है। डहेलिया कई टाइप और कई कलर का होता है। इसके कुछ फ्लावर बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, कुछ मीडियम और कुछ के सिंगल फ्लावर होता है और जो सिंगल पेटल में आता है। ये देखने में तो एक खूबसूरत और ऑर्नामेंटल प्लांट है ही है और इसमें कोई खुशबू नहीं होती है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है लेकिन इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। डहेलिया को डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है और इनडायरेक्ट सनलाइट इसको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। फ्लावरिंग प्लांट, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को, वो गर्मियों में लगाया जाने वाला हो या जाड़े में, अगर उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है तो कम से कम 6 से 7 घंटे की उसको सूरज की रोशनी चाहिए ही चाहिए। और इसको वेल ड्रेन सॉइल बहुत पसंद है। डहेलिया को में फास्फोरस अगर डालते हैं तो इसके फ्लावर का साइज़ बड़ा और इसके पेटल का कलर बहुत अच्छा आता है। नाइट्रोजन भी डाल सकते हैं मगर इसको नाइट्रोजन कम पसंद है। इसमें अगर बालू और मिट्टी और थोड़ी सी गोबर की खाद डाल करके अगर लगाया जाता है तो उसकी मिट्टी जो है बिल्कुल भुरभुरी, यानी कि बिल्कुल पोरस होनी चाहिए कि पानी इसमें बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, वरना इसके कंद जो है वो सड़ जाते हैं। ये मार्च के फर्स्ट ऑफ वीक तक ये अच्छी तरह से ब्लूम करते हैं। जैसे गर्मी पड़ने लगती है तो इसके प्लांट जो है ख़राब होने लगते हैं। फिर बारिश में इसके कंद लगाए जाते हैं, उन कंद में से जब छोटे छोटे से प्लांट निकलते हैं तो उसको निकाल करके अलग फिर से लगाया जाता है। ये एक जाड़े का तो प्लांट है ही है और देखने में कितना अच्छा खूबसूरत है। जब हम लोग इनको अपने हाथों से ये प्लांट को छूते हैं तो कितना ये प्लांट कितने खुश होते हैं और इनको कितना अच्छा फील होता है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये झूम रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।